स्वयंसेवी संस्था फीडिंग इंडिया के साथ हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा कोरोना में अनाथ हुए बच्चे का निकले हैं करने मदद। आपको प्रधानमंत्री का वक्तव्य याद होगा, इसमें उन्होंने कहा था ऐसे बच्चे जो कोरोना काल में अपने माता पिता या किसी एक को खो चुके हैं उसके साथ सरकार खड़ी है, सरकार अभिभावक बनकर उसका मदद करेगी। आज हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने स्वयंसेवी संस्था फीडिंग इंडिया के साथ यह कदम आगे बढ़ाया। हजारीबाग में 58 ऐसे बच्चे को भोजन एवं पठन पाठन सामग्री दी गई जो कोरोना काल में अपने माता पिता या किसी एक को खो चुके हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन किट दिया गया जिसमें एक टैबलेट दी गई जिससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें, किसी भी क्षेत्र में वह नहीं पिछड़े इसका पूर्णतः ध्यान रखा गया है। यह सहायता पाकर बच्चे अत्यंत खुश नजर आए जिन्हें पिताजी के चले जाने के बाद भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। हमारे सहयोगी भवेश मिश्रा वहां मौजूद थे, उन्होंने पल पल की खबर ली एवं बच्चे से भी उनका राय लेने का प्रयास किया जिन्हें किट मिला। पहले आप सुनिए फीडिंग इंडिया के कर्मचारी ने क्या कहा, बच्चे ने किस तरह जताई खुशी, इसके बाद हम आपको सुनाएंगे जयंत सिन्हा का विचार। करने के लिए भारत में काम कर रहा है वो हम दो तरीके से करते हैं। हम एक गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं जिसमें हम आंगनवाड़ी को सक्षम बनाते हैं, और हम नॉन प्रॉफिट्स जो है लो आय वाले स्कूल्स जो होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको दैनिक पौष्टिक आहार देते हैं। आज हम यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है एजुकेट इंडिया इनिशिएटिव, उसके लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके अंदर जो भी बच्चों हम बच्चों को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी बच्चों ने कोविड के दौरान अफेक्टेड हुए थे उनको हम एडटेक और पोषण का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हम पूरे भारत में 1900 बच्चों के साथ कर रहे हैं, और आज हजारीबाग में माननीय MP जयंत सिन्हा जी उनके सहयोग के साथ हम 58 बच्चों के साथ यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम उनको एक सैमसंग का टैबलेट, स्टेशनरी किट और एक साल का राशन साल भर के लिए प्रोवाइड करेंगे। जी अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम आयुषी है और मैं फीडिंग इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लीड करती हूँ। जी बताइए क्या मिला आपको आज यहाँ? हमको यहाँ पे आज पढ़ने के लिए टैब मिला और एक साल का कॉपी मिला, पेन मिला, पेंसिल मिला और एक स्कूल बैग मिला और एक महीने का राशन मिला। एक महीने का राशन भी मिला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम त्रिशा कुमारी है, हम 5 क्लास में पढ़ते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरू के। मेरू ग्रहण। कैसा लग रहा है ये फीडिंग इंडिया का कार्यक्रम आपको? ये बहुत लाभदायक हमारे लिए रहा, ये इनके थ्रू से जयंत सर हमारे बहुत अच्छे मतलब जो दिए हैं बहुत सारे पढ़ने के लिए, और फिर अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन दिलवाए हैं पढ़ने के लिए, आगे चल के बहुत अच्छा कुछ करने के लिए। सर ये बहुत अच्छा ये संस्था चलाए हैं। मेरा नाम विशाल कुमार हूँ, मैं अभी 12 में पढ़ रहा हूँ। हाँ मेरे पिताजी कोरोना काल में ही उनका निधन हुआ था। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सर हमारे को शिक्षा के लिए बारे में कुछ सोचे हैं और हमें अच्छा से पढ़ के और अच्छा करना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे जब पापा कोविड में डेथ कर गए थे तो मेरे को तो मतलब कि लग ही रहा था कि कोई मेरे को हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन इसके द्वारा मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है। सो मैं इस प्रोग्राम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज हम लोगों ने दो बहुत बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है। एक फीडिंग इंडिया के द्वारा जो योजना चल रही है उसमें सब जो कोविड प्रभावित बच्चे हैं उनको हम लोग एक वर्ष का सहयोग दे रहे हैं। इस सहयोग में उनको एजुकेशनल किट मिल रहा है, एजुकेशनल किट में एक टैबलेट है जिसपे एक साल का सब्सक्रिप्शन है अन अकेडमी का, जिसमें कि उन लोगों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिले। साथ साथ पूरे एक वर्ष हम लोग उन लोगों को राशन का सहयोग देते रहेंगे जिसमें उन लोगों को कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। आगे के समय भी अगर उनको और सहयोग की ज़रूरत होगी तो इन कोविड प्रभावित बच्चों को हम लोग सहयोग देते रहेंगे और उन लोगों को पूरी तरीके से हम लोग मदद करेंगे जिसमें कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक चला सकें। दूसरा अभियान जो हम लोगों ने उद्घाटन किया वो यह है कि कुपोषण को हम लोग हजारीबाग ज़िले से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आप सबको मालूम है कि हम लोग अक्षय पात्रा का जो रसोई घर है बड़े विशाल रूप से वो बन रहा है और उसके द्वारा बच्चों को मिड डे मील तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ फीडिंग इंडिया के सहयोग से हर आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हम लोग डेटा लेकर देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा कुपोषण है,
कहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी तरीके से खाना पीना नहीं मिल रहा है, और उन लोगों को हम लोग पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे जिसमें कि पोषण उनको अच्छा मिले और वो तरक्की करें और उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। इसमें माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि हम लोग मोटे अनाज यानी मिलेट्स का सदुपयोग करें, ये हम लोग पूरी तरीके से करने वाले हैं। और इसमें आंगनवाड़ी केंद्र में जो अभियान चल रहा है उसमें रागी के लड्डू विशेष रूप से हम लोग देंगे जिसमें कि मोटे अनाज का भी इन बच्चों को फ़ायदा मिले। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम लोगों के हजारीबाग ज़िले में एनजीओ के द्वारा बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, और इसमें आज फीडिंग इंडिया वाला अभियान भी हम लोगों ने जोड़ दिया है और इसको बड़े पैमाने पे हम लोग क्षेत्र में चलाने वाले हैं। मैं फीडिंग इंडिया के और जोमाटो के सब अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सीएसआर के द्वारा हम लोगों के क्षेत्र में बहुत बड़ा हम लोगों को इस तरीके से एक सौगात दिया है। धन्यवाद।